समय से आज जायरा निकल रही है, जूझ रही है, हम भी ऐसे समय से निकले हैं, हमने भी बहुत सारी ऐसी चीजें फेस की हैं, मेरे परिवार ने बहुत सारी ऐसी चीजें फेस की हैं जो जायरा के साथ हुई हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जायरा को कितनी तकलीफ हुई होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, और कुछ लोगों का काम ही होता है कि कोई अच्छा करे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जायरा के साथ तो पूरा देश खड़ा है, और हम जैसे लोग, आमिर खान जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं, तो जायरा कुछ चिंता की बात है ही नहीं। हमारे साथ तो सिर्फ हमारे पिता का शायद है, और हमने उन सब चीज़ों को भूल कर, उन सब चीज़ों को छोड़ कर पीछे हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो जायरा के लिए तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इतने लोगों का उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो जायरा कोई सब चीज़ें भूल कर उसको आगे बढ़ना चाहिए। उनका फ़ोन नंबर जो मेरे पास था, मैंने लगाया तो नोट रिचेबल आ रहा था, और मैंने मैसेज किया, लेकिन अभी तक जायरा का कोई रिप्लाई नहीं आया है। कम से कम उनकी एज का ही लिहाज रखो कि वो 16 साल की बच्चे और आप उनके ऊपर ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है ऐसा सुन के कि हमारे देश में लोगों की सोच अभी भी नहीं बदल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये दंगल मूवी जिसने भी देखी है उनकी सोच बदले, लड़कियों के प्रति ऐसे कमेंट ना करें कि एक छोटी बच्ची को इतना दुखी किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कमेंट करके, और उनको माफ़ी तक मांग ली। और मैं जायरा को कहूंगी कि जायरा आपको माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने आपको गलत शब्द बोले हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे गलत कमेंट किए हैं। माफ़ी मांगने की जरूरत उनको है, न कि आपको। आप हमारे देश का गौरव हो, हमारा गौरव हो, और आपको पूरे देश को आप पे गौरव है, तो आप पूरा देश और हम भी आपके साथ खड़े हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर लड़की को दुख होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी आपने आज तक सुना है कि किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर कोई कमेंट किया हो कि आप ऐसे जीवो, ये पहनो, वो पहनो? अगर आप लोगों के ऊपर कोई लड़की पाबंदी नहीं लगा रही, तो आप लोग कौन होते हो किसी लड़की के ऊपर पाबंदी लगाने वाले?